हेलो डिफेंस सर्वर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे एनडीए की प्रिपरेशन को लेके। देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एनडीए को लेके क्या देखना है कि भाई हमारा एक जो एग्ज़ाम है उसका इस बार का लेवल कैसा होगा। लेवल के एग्ज़ाम को लेके हम पहले डर लेते हैं कि हाँ भाई कितना क्या पढ़ना है, मैंने क्यों पढ़ना है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैंने छोड़ना क्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ही वो है कि भाई सर मैंने पढ़ूँ तो पढ़ूँ, किताबें बधेरी पढ़ी हैं मार्केट में, कौन कुछ नहीं बता रहा, हर कोई बता रहा है कि भाई ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, सारे बुक पढ़ लो कि आई एस छोड़ना बनना हमने। सीधी सी बात है, मैथ के लिए अगर तुम लोगों ने फोकस करना है, मार्क्स वाले सेक्शन में देखोगे तुम, तुम्हें पता है 120 क्वेश्चन है, 120 के 120 तो कर नहीं पाएगा कोई भी, तो कितने क्वेश्चन करेगा कोई भी स्टूडेंट। बोलेगा कि भाई मैं 60 से 70 क्वेश्चन करूँगा जो एग्जैक्ट के एग्जैक्ट सही हूँ। बस स्कोरिंग अगर वो चाहता है कि मैं इसमें किसी का मैथ ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो 80 तक जाएगा सही के सही। अब इसकी ये सब कैसे होगा, आपने अपना जो फोकस है वो किन मेन जोन में डालना पड़ेगा वो देखो, ये सब्जेक्ट पर डालना पड़ेगा। कैलकुलस, 2D 3D वेक्टर यानी कोनिक सेक्शन भी आप इसमें जोड़ लो, ट्रिगो हो गया, एलजेब्रा आ गया आपका, इसमें PNC प्लस प्रोबैब हो गया आपका, पूरा लेके चलिए आप 1 2 3 4 5। सबसे मोस्ट फोकस करने वाले यही है, इन पे फोकस करो एग्ज़ाम में। मैथ का तो पूरा एग्ज़ाम डन मान के चलिए। अगला आपका आता है GET का। GET का जो पहला सेक्शन है, GET का फर्स्ट सेक्शन अपना इंग्लिश रहता है। इंग्लिश में आप हमेशा ध्यान दीजिए वोकैब पे ध्यान दीजिए, साथ में कॉम्प्रिहेंशन। अगर वोकैब सुधर जाएगी तो कॉम्प्रिहेंशन भी वैसे सुधर जाना है। तो 20 से 25 नंबर तो यहाँ पे आप मान के जाए, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बन जाने आपके। स्पॉटिंग द एरर्स, 10 सही होना चाहिए स्पॉटिंग द एरर्स। अगला फिलर्स सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश के बाद अपन यानी साइंस मान के चलिए। फिजिक्स बता देता हूँ सबसे पहले, साइंस फिजिक्स, इसमें आपका फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहता है, ऑप्टिक्स। हर बार की तरह ऑप्टिक्स बोल रहा हूँ मैं, वेव ऑप्टिक्स हो गया। अगला ऑसिलेशन है, मॉडर्न आ गया आपका पूरा मान के चलिए। वेव में इस ऑप्टिक्स में आप वेव्स प्लस ऑसिलेशन सब लेके चलिए, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स आपकी पूरी आएगी। गेट आपने के जितने गेट याद कर लो, ट्रांजिस्टर हो गया, सर्किट याद कर लो, मैग्नेट के पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हो गया मैग्नेट याद कर लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यानी EC हो गया, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेली केमिस्ट्री पढ़ेंगे सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो डेली यूज़ में आपका इस्तेमाल होता है ये फार्मूलाज वगैरह, कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, इस टाइप की चीज़ वो आप यूज़ करेंगे डेली केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे आप। अगला आपका बायो में आ गया, बायो में आप ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स हो गया आपका। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में आप लोग और क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिएंट्स आ गया आपका, और आपके टिश्यूज़ हो गए, प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई जो आपको यूज़ करनी है, टिश्यूज़ हो गया, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें वो आप याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है GK। GK पे अपन लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यानी GS पे। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी का सेक्शन है, हमें पता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होती है 20 से 25 ही है। 10 से 15 आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, बस हिस्ट्री में सिर्फ अपन मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न यानी गांधी जी को बस। अगला आता है अपना पॉलिटी पॉल साइंस, इसमें आते हैं आपके 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ। पॉली के बाद अपना क्या आता है, अपन करते हैं CA यानी करंट अफेयर्स प्लस डिफेंस अफेयर आता है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी बन जाते हैं अपने पास। बाकी स्पोर्ट्स मान के चलिए, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया आपका, बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, प्राइज हो गया आपका, अवार्ड्स हो गया, ये सारी चीज़ें मेंशन, 10 क्वेश्चन आपके इससे भी बन जाते हैं, ठीक है। 30 और ये आपके मान के चले कितने हो गए, 30 और 12 42 42 10 52, ये 50 के आसपास का आपका पूरा बन गया GS का। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ NDA एग्जामिनेशन। तो ये तो मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया, मेन चीज़ जो आपको चाहिए होता है इसमें से जो डाउट क्लियर होंगे, वो जो सारे डाउट्स आएंगे वो डाउट्स क्लियरेशन के लिए क्या चीज़। मेरे पास एक बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप ऑफलाइन बैचेस चाहते हैं तो एक कोचिंग का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है KD एजुकेशन। यहाँ आप लोगों को सारी ऑनलाइन मॉक, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट सारे प्रोवाइड हो जाएंगे वीकली बेसिस पे।
सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अपने को डाउट सॉल्व करना होता है। डाउट सॉल्व यहाँ पे बैचेस की जो नंबर्स ऑफ बैचेस होते हैं वो काफ़ी छोटी, स्ट्रेंथ काफ़ी छोटी होती है, 10 से 15 लोगों का बैच रखते हैं ये लोग। और इस बैच में सबसे बड़ी बात, आपके डेली डाउट सॉल्व होते हैं, आपके कुछ भी अगर जो मॉक टेस्ट होते हैं डेली बेस पर ही आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और मैथ्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसके सारे जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन में ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उनको ये बताएंगे कि आप डिफेंस ज्ञान से हैं, आपने डिफेंस ज्ञान में अभी ये वीडियो देखा था, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पर स्टूडेंट 3000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर उस बंदे तक पहुँचाओ जिसको ज़रूरत है इसकी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।